वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। तो हाँ जी, आज मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नाक में थोड़ी प्रॉब्लम, तो इसलिए मैं ज़्यादातर बाहर नहीं निकल रहा था। तो हाँ जी, आप सब जिसका वेट कर रहे थे कि बर्फ़ बहुत जगह पर नमाज अभी पढ़ी गई क्योंकि बर्फ़ हो, तो हाँ जी मैं आपको दिखा रहा हूँ सुबह सुबह जो बर्फ़ है वो स्टार्ट हो चुकी है। अभी हल्की हल्की सी बर्फ़ है, आप देख सकते हैं। इस बर्फ में जो मज़ा है वो और किसी में नहीं है। तो आप देख सकते हैं कैसी बर्फ अभी पड़ रही है। तो हाँ जी, आज देखते हैं क्या रहता है हमारे साथ पूरा दिन में। तो मैं आपको व्लॉग में कर करूँगा आप व्लॉग में। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उठा हूँ, फ्रेश भी हो गया हूँ। अब घर वालों ने बोला कि आज हम कश्मीरी हलवा बनाएंगे, जिसको आप सब जानते होंगे। तो आज मैं उसका प्रोसेस आपको दिखाऊँगा कैसे बनाते हैं, और आप सबको भी दिखाऊँगा। तो चले सीधे किचन में। तो हाँ जी, पहुंच गया मैं किचन में। अब दिखाते हैं आपको कश्मीरी हलवा में क्या क्या प्रोसेस। तो सबसे पहले डालते हैं घी इसमें, आप देख सकते हैं अभी ये बॉईल हो रहा है घी। तो हाँ जी, अभी वाटर बॉईल हो रहा है। अब इसमें डालना है पहले शंकर, फिर डालना है इसमें नारियल, आप देख सकते हैं अभी डाल रही है नारियल। उसके बाद इसमें डालना है हलवाई का रंग, जिससे दिखता है हमारा। तो अभी यहाँ पर शंकर डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें कितना शंकर डालना होता है क्वांटिटी के हिसाब से। क्वांटिटी के हिसाब से, तो हाँ जी आप देख सकते हैं अभी डाल रहे हैं इसमें शंकर। तो हाँ जी, अभी घी गर्म हो चुका है, अब इसमें डालना है सूजी, आप देख सकते हैं इसमें डाल रही है दी सूजी। अब करते हैं वेट, जब तक हो जाएगी सूजी तैयार तो फिर इसमें डालना है ये भी तब तक तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर मिलते हैं आपसे। तो हाँ जी, अभी हो रहा है काम स्टार्ट, अब करते हैं वेट, देखता है कितना टाइम लगेगा इसमें, फिर आपको दिखा। तो हाँ जी गाइस, अभी मैं आ गया हूँ बाहर देखने की बर्फ कितनी पड़ रही है। वैसे तो मेरे हिसाब से अभी उतनी बर्फ नहीं पड़ रही है जितनी की पड़नी चाहिए, तो फिर भी इसमें अल्लाह का शुक्र है कि बर्फ पड़ गई। तो अभी पहले जाते हैं हम बाहर तक, देखते हैं कैसा सीन है। तो हाँ जी, मेरे हिसाब से अभी उतनी बर्फ़ नहीं पड़ रही जितनी पड़नी चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह अगर ऐसा ही मौसम रहा तो तेज़ बर्फबारी भी स्टार्ट हो सकती है, और इंशाल्लाह कल तक अच्छी बर्फ़ होगी। तो फिर हम कल कहीं जाते हैं शूट पे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो हाँ जी, अभी जाते हैं सीधे अंदर, देखते हैं कहाँ तक पहुँच गया है हलवा का काम। तो हाँ जी, अभी हो रहा है यहाँ पर ड्राई फ्रूट कट, जो कि बहन ने लाया, अभी तक छुपा के रखा था, आप देख सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी सूजी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो अभी हम इसमें डालते हैं ये पानी, जो कि आप देख सकते हैं अभी तैयार हो चुका है। तो अभी आप देख सकते हैं। तो हाँ जी, हमारा जो हलवा है वो तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं। अभी हम ये करते हैं शुरू, तो दिखा दे आप। तो हाँ जी, फाइनली जो है हलवा शुरू हो चुका है, अब जाते हैं सीधे अंदर, देते हैं घर वालों को।
तो हाँ जी, घर वालों को भी सर्व किया, आप खाते हैं, हम देखते हैं कैसा मजा है इसमें। तो आज गाइस भी मैं खाता हूँ, कसम से मैंने आज तक ऐसा हलवा नहीं खाया, बाय गॉड की कसम खा रहा हूँ। मतलब इतना मजा है इसमें मैं आपको बोल ही नहीं सकता, सच में बहने कमाल के हलवा बनाते हैं। तो आज गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हलवा भी खा लिया, इसमें बहुत ही मजा था, जबरदस्त हलवा बन चुका था। तो भी थोड़ी सी बर्फ हो रही है, तो भी हम जाते हैं पहले ऊपर, मैं और मेरा भाई वहाँ पर खाते हैं रील्स एक दो, वो मैं सारे इंस्टा पे अपलोड करूँगा, इंस्टा की लिंक देख सकते हैं। तो आज मिलते हैं आपको। तो आज गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमने बना लिए रील्स, वो मैं सारे इंस्टा पे अपलोड करूँगा, एक दो रील्स बनाए क्योंकि अभी उतनी बर्फ़ नहीं पड़ी, जब इंशाल्लाह बर्फ़ पड़ेगी तो अच्छे रील्स बनाएंगे। तो हाँ जी, आप में से बहुत गाइस मुझे बोल रहे थे कि भाई आप व्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो। भाई एक तो मुझे नाक में प्रॉब्लम थी, मैंने आपको बोल दी, और दूसरा हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसीलिए एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करनी है। तो इंशाल्लाह अब देखते हैं क्या रहता है हमारे साथ, मैं व्लॉग्स अपलोड करूँगा। तो हाँ जी गाइस, इस व्लॉग के लिए इतना रखते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।